वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी पटवारी और लेखपाल पेपर मामले में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही। जी हाँ, उत्तराखंड पुलिस ने जो है 12वां विकेट जो है गिरा दिया है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आगे हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पटवारी पेपर लीक मामले में 12वीं यहाँ पर जो है गिरफ्तारी हो गई है। तो पूरी खबर क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर लीक मामले में जो है परतें जो है काफ़ी गहराती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। फिलहाल SIT की दौड़ भाग लगातार जारी है। इस मामले में SIT ने जो है 12वीं यहाँ पर जो है गिरफ्तारी कर ली है। अब ये जो 12वां व्यक्ति है, आप देख सकते हैं रिटायर्ड शिक्षक है जो कि हरिद्वार के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नाम और है, और यहाँ पर इनके पास जो है करीबन आप देख सकते हैं 2 लाख की यहाँ पर जो है नकदी मिली है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हरिद्वार पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से खौफ की साए में जी रहे अभियुक्त, क्या जाने। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी खबर यहाँ पर उन्होंने जो है दी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, तो आप देख सकते हैं रिटायर्ड शिक्षक हैं। तो इट मीन्स आप देख सकते हैं काफ़ी पहले से यहाँ पर उत्तराखंड में जो है इस तरह के मामले लगातार उजागर होते रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SSP अजय सिंह के नेतृत्व में आप देख सकते हैं पटवारी लेखपाल भर्ती लिखित परीक्षा में धांधली के संबंध में थाना कनखल में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसके अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार SIT भी यहाँ पर जांच कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभियुक्त अभय राम को कल गिरफ्तार किया गया। बीते वर्ष शिक्षक पद से रिटायर अभियुक्त ने अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से अभियुक्त राजपाल व संजीव दुबे के साथ मिलकर पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर आउट कराने के लिए लगभग आधा दर्जन से अधिक छात्रों को परीक्षा प्रश्न उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी से मोटी रकम यहां पर तय की थी। आप देख सकते हैं जो रिजॉर्ट है वही रिजॉर्ट है जिसमें सभी अभ्यर्थियों को यहां पर उन्होंने नकल कराई थी। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो इनके पास बरामद हुआ है कि 1-2 लाख रुपये, उसके अलावा सिक्योरिटी के लिए अभ्यर्थियों के कब्जे से लिए गए मूल चेक, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम, और यहाँ पर अब तक जो है 12 लोग यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर जारी हो गई है। तो जिस तरह से लगातार पटवारी में जो है अभियुक्त गिरफ्तार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके लीक काफ़ी अंदर तक जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा वीडियो में लगभग 44 के आसपास जो है आरोपी गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन क्या वाकई में आपने बाद में देखा होगा वही 44 में लगभग 22 से लेकर 25 लोग बाहर निकल गए हैं सबूतों के अभाव में। अब ये देखना बाकी है क्या वाकई में SIT जो और हरिद्वार पुलिस साथ मिलकर इनको इनके अंजाम तक पहुंचा पाती या नहीं पहुंचा पाती। लेकिन क्वेश्चन अभी भी है, हु इज़ द बिग एलिफेंट एंड हु इज़ द फिश। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।